6 जनवरी को नई दिल्ली लोधी रोड स्थित इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में होने वाले चुनाव से संबंधित एक मीटिंग जोरबाग स्थित शाह मंदा में आयोजित की गई। एडवोकेट महमूद प्राचा द्वारा आयोजित इस सिलेक्शन मीटिंग में सिराजुद्दीन कुरैशी सहित उनके पूरे पैनल को मेंबर से रूबरू किया गया। हम आपको बता दें कि करीब 3200 मेंबर्स वाले इस ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 15 वर्षों से सिराज कुरैशी अध्यक्ष हैं और विपक्ष में चुनाव लड़ रहे लोगों का यही सबसे बड़ा एजेंडा है कि बार बार सिराज कुरैशी ही अध्यक्ष क्यों बने। इस्लामिक सेंटर का ये आपका फोर्थ टर्न है, लेकिन जो काम हो गए हैं वो देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या लाइफ टाइम के लिए रहेंगे, एतराज़ात कुछ नहीं। देखिए, ऐसा है कि अभी तो 3 टर्म्स पूरी हुई हैं, चौथी टर्म अब इलेक्शन चल रहा है, चौथी टर्म के लिए कभी ये ख्वाहिश नहीं रही है कि हमेशा मैं इसके साथ जुड़ा रहूँ, लेकिन चूँकि एक ऐसा रिश्ता इसके साथ बन गया है जज्बाती, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इसको कोई भी आए, कोई भी इलेक्शन का जीत के आए, इसके वक़ार को और इसके मकाम को उरूज पर पहुँचाए, मैंने हमेशा ही चाहा है। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह के लोग जो इसकी मुखालिफत कर रहे हैं या उसके बारे में ये बता रहे हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कुछ हुआ ही नहीं, अगर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में कुछ हुआ नहीं होता या इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर आज ये एक्टिविटीज़ नहीं होती या उसकी ये डेवलपमेंट नहीं होती, तो आज ये भी क्यों इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं। ये लोग भी इलेक्शन इसीलिए लड़ने आ रहे हैं कि आज उसका नाम हो गया, आज उसकी इज्जत हो गई, आज उसके पास पैसा आ गया, आज उसका मकाम पूरी दुनिया के अंदर हो गया और उसके मेंबर बहुत सारे बढ़ गए हैं, इसीलिए आज उसकी शोहरत की वजह से ये लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। वरना इससे पहले जब इसके पास पैसा नहीं था, जब इसकी हालत खस्ता हालत थी, तब तक किसी ने भी इसके बारे में सोचा नहीं। तब तो कोई आया नहीं, कोई किसी ने एक पैसे का डेवलपमेंट नहीं करने की कोशिश की, किसी ने एक पैसा लगाया नहीं, ना 2 मिनट किसी ने दिए, और आज जो है हर आदमी इस पर चाहता है कि कब्ज़ा कर लिया जाए और इसका जो है वक़ार इसका उसको ठेस पहुंचाया जाए। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के लोग इलेक्शन में आए हैं, मेरे सारे अपने अजीज़ हैं, सब कुछ है, लेकिन इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की जिस तरह से बुराई करने की कोशिश करते हैं कि कुछ 15 साल में हुआ नहीं, तो मैं समझता हूँ बड़ी नाजेबा बातें हैं और इससे उनको थोड़ा सा अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। ये इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की तौहीन है, जो उसका जो उसकी अजमत आज हुई है उसकी ये तौहीन है, मैं समझता हूँ। इस्लामिक सेंटर वर्ल्ड में पहचाना जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से हालात बन गए हैं, लोग आपको अड़ंगा अड़ा रहे हैं, इस इलेक्शन में आपको कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं? नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं ये कहता हूँ इलेक्शन आप लड़ें फेयर बेसिस के ऊपर, आपके पास इलेक्शन लड़ने के लिए एजेंडा होना चाहिए प्रॉपर, आपके पास कोई एजेंडा नहीं है। आप 2-3 बातों को बार बार दोहराते रहते हैं कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने कुछ नहीं किया, उसके आइन के हिसाब से इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर ने कोई काम नहीं किया। 15 साल के अंदर इसका नाम दुनिया में हो गया, ऐसे मजाक में तो हुआ नहीं, ये हमने उसके लिए कुछ किया नहीं, ये सब जानते हैं। मैं उन बातों को नहीं कहना चाहता जो वो कह रहे हैं, क्योंकि मैं अपनी ज़बान को बहुत लगाम रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि जिस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के लिए, ये नाजेबा है और मैं समझता हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को बदनाम करने का उनका कोई हक बनता नहीं है। जब तक वो किसी चीज़ को हकीकतन जान ना लें, जब तक उसको इल्ज़ाम ना दें। ये थे सिराज कुरैशी साहब। देखिए, जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, अगर हम इंशाल्लाह वापस जीत कर आते हैं तो फौरन एक प्रोग्राम शुरू किया जाएगा, जैसा सिराज साहब ने भी अभी कहा अपनी तकरीर में कि हम सिविल सर्विसेज कोचिंग को दोबारा शुरू करेंगे। ये पहले यहाँ होती थी, फिर बीच में हुई, फिर वो किसी वजह से बंद हो गई, तो हम लोगों ने 20 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी सिलेक्शन कर लिया है ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेसिस पर, और उसकी कोचिंग दोबारा यहाँ शुरू की जाएगी और इंशाल्लाह हर साल इसी तरह के बैचेस आएंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ज़रूरी है कि कौम के बच्चे सिविल सर्विसेज में क्वालिफाई करें और आला ओहदों तक पहुँचें, इसके लिए उनको कोच करना ज़रूरी है। तो एक तो ये प्रोग्राम है, दूसरा एक हम क्वार्टरली जर्नल निकालने जा रहे हैं जिसकी तैयारियां अभी मुकम्मल हो चुकी थी अक्टूबर नवंबर में, और वो उसके बाद एक IICC क्वार्टरली जर्नल के नाम से इंग्लिश और उर्दू में, जिसमें IICC के न्यूज़ भी होंगी, आर्टिकल्स होंगे, और लोगों को हम मदऊ करेंगे कि उसमें आर्टिकल्स लिखें जो मुल्क और कौम के सामने मसाइल होते हैं उनके ऊपर लिखें, तो एक लोगों को मेंबर्स को बहुत सी चीज़ों की उससे जानकारी होगी। तो ये दो काम प्रायोरिटी पे हम ज़रूर इंशाल्लाह शुरू करेंगे। जहाँ तक एक्सपेंशन का प्रोग्राम है, वो सिराज भाई ने बताया तफसील से कि एक नया प्लान बनाया गया है, नक्शे पास हो ऑलमोस्ट पास हो चुके हैं, अप्रूवल मिल चुका है,
और इस्लामिक सेंटर में एक नया कन्वेंशन सेंटर बनेगा, ऑडिटोरियम एक नया बनेगा, 30 कमरे और बनाए जाएंगे, मॉडर्न ई लाइब्रेरी होगी और बहुत सी चीज़ें होंगी। तो इंशाल्लाह इसको अगले 2 साल में तकमील करने की कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, थैंक यू। पहले तो मेंबर, सबसे पहले मेंबर कम थे, करीब 1800 थे, इस बार करीब 3200 हो गए हैं। दूसरा, इस बार ऐसे कुछ अपोजिशन से ऐसे शख्सियात इलेक्शन में आ गई हैं जिसकी वजह से इलेक्शन में थोड़ी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं, और इशूज़ तो वही हैं जो हम लोग इशू हैं, लेकिन वो मेरे ख्याल में गुमराह कर रहे हैं वोटर्स को कि हमने जो मंशूर है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें काम नहीं किया है। इस वजह से, गलत फहमी की वजह से इसमें गर्मी पैदा हो गई है। बहुत सारे यूथ हैं जो आज की डेट में एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमारे जो इरादा है, जो स्टार्टअप इंडिया जो गवर्नमेंट की जो एक स्कीम है, उनके साथ मिलकर हम एक अच्छी कॉन्फ्रेंसेस करें जहाँ पे इंडस्ट्री के बड़े बड़े मैनेजिंग डायरेक्टर्स, चेयरमैन को बुलाएंगे, वो एक मोटिवेशनल स्पीच देंगे, सारे यूथ को बुलाएंगे, जहाँ उनको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, आइडियाज़ मिलेंगे, तो उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होगा, सबसे पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है, जो आज की डेट में कंट्री में जो जॉब्स की प्रॉब्लम आ रही है, तो जॉब्स रिलेटेड फेयर, जहाँ पे अगेन बड़े बड़े जो कंपनीज़ के जो एचआर हेड्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, उनको बुलाएंगे, बुलाया जाएगा, वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यूज़ कराए जाएंगे, जिससे जो आज हमारी कंट्री में जो बच्चों को जो जॉब्स नहीं मिल रही है, वो इस्लामिक सेंटर के थ्रू वहाँ से उनको एक अच्छी जॉब्स मिलेंगी। एक और बड़ा एक नेटवर्किंग, जो आज की डेट में हम मुसलमान के जो बच्चे हैं, जो दीन से थोड़ा सा दूर जा रहे हैं, जो बाहर निकल रहे हैं, उनको वो अपना जो हमारा एक बैकग्राउंड है, हमारे इस्लाम का जो एक बैकग्राउंड है कि हम क्या हैं, उस टाइप के एक प्रोग्राम्स होंगे, दीनी प्रोग्राम्स होंगे विद मॉडर्न साइंस, जहाँ पर बच्चों को एक अपना आपस में नेटवर्किंग मिलाना, कि एक बैकग्राउंड बताना, जिससे उनको एक रहे कि हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या करना है। आप शायद फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे हैं, और आपका एक्सपीरियंस अभी तक जो आपने वोटर्स के पास जाना है, वो कैसा रहा? देखिए, वोटर्स में तो बहुत एंथुसियाज्म है, इसलिए कि हर वोटर ये समझता है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर उसके जज्बात और उसके ख्यालात की अक्कासी करता है और उसके तुर्रे इम्तियाज़ को वो 4 चांद लगाता है, इसलिए उनका रेस्पॉन्स यकीनन बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छा, बहुत एंथुसियास्ट। कि मोहतरम सिराज कुरैशी साहब की 12 साल की अनथक मेहनतों के नतीजा ये हुआ कि इतनी शानदार लोकेलिटी में उसका FAR जो है जस्ट डबल का अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट से हो गया है। उसका एक्सपेंशन जब होगा तो 2 मंजिला मज़ीद ऊपर और 2 मंजिल अंडरग्राउंड पार्किंग नीचे हो जाएंगी। ज़ाहिर है उसमें एक मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं उसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं, इसलिए कि उसका बैंकट हॉल तकरीबन 2000 लोगों पर मुश्तमल कैपेसिटी का होगा, उसमें फूड कोर्ट, उसमें एजुकेशनल कॉन्फ्रेंसेस, उसमें पॉलिटिकल सोशल इश्यूज पर डिस्कशंस, इन तमाम चीज़ों के ऑडिटोरियम्स और कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स नए भी तैयार होंगे। तो इसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए मैंने अपना छोटा सा अदना कंट्रीब्यूशन देने के लिए ये जज्बा रखा कि मैं हाज़िर हो जाऊँ इसमें। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बहुत इम्पॉर्टेंट इदारा है। हम लोग जब ये हुआ कि कैसी टीम, कौन टीम में होगा, तो सिराज साहब ने कुछ सोचा होगा। हमारा जो भी एक्सपीरियंस है माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री, माइनॉरिटी के काम, और इसमें बहुत से लोग जुड़े हैं, माइनॉरिटी के लोग जुड़े हैं, उनकी बहुत सी तवक्कात है, यहाँ एजुकेशन है, वक्फ़ है, हज है, ये तमाम चीज़ें हैं, तो उसको हम सिराज साहब की क़यादत में इंशाल्लाह पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो भी तवक्कात है कम्युनिटी की, वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक मेरे आने का ताल्लुक है, मैं पिछले 1 साल से बहैसियत एग्जीक्यूटिव मेंबर में काम कर रहा हूँ, कोऑप्शन हुआ, और पिछले 23 साल से एक इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ मेरा ताल्लुक रहा, जो गवर्नमेंट के अदारा है, ऑटोनमस बॉडी है, और मैं इंटरनेशनल प्रेसिडेंट भी था और नेशनल प्रेसिडेंट भी था। वहाँ से आने के बाद से मैंने देखा, और गवर्नेंस के ऊपर मैं वर्ल्ड वाइड में काम कर रहा हूँ, तो यहाँ देखा कि ज़रूरत है एक, हम अपने वक्त को थोड़ा सा वक्त दें यहाँ पर। तो पिछले 1 साल से हम इनके साथ चढ़े हुए हैं एज एग्जीक्यूटिव मेंबर, और अब इलेक्शन है, पहला इलेक्शन है, बट मैं 1 साल से इनके साथ मैं काम कर रहा हूँ।
جہاں تک تعلق کوشچن یہ آپ کا ہے کہ میں اسلامک سینٹر کو یا انڈیویجول کو دیکھ کر کے نہیں، اسلامک سینٹر ایک بہت بڑا مرکز ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، اس کو جو ہے ہم سامنے رکھ کر کے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سب مل کر کے اس کو اور آگے مضبوط دیا جائے، تو اسلامک سینٹر از دا فرنٹ، انڈیویجول نہیں ہے ہمارے لیے، اسلامک سینٹر از ہے۔ ہمارے بیچ میں سینئر ایڈوکیٹ محمود پراچا صاحب ہیں، ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ وہ اس اسلامک سینٹر میں اس بار بہت ایکٹیو دکھ رہے ہیں، جو ابھی انہوں نے اسپیچ دی تھی کہ مسلمانوں میں جو اتفاق ہیں وہ کم ہونے چاہیے، کیا آپ کو بھی الیکشن نہیں لڑنا چاہیے تھا محمود پراچا صاحب؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ایک آدمی کو ہر ایک فیلڈ میں انٹرفیئر یا الیکشن نہیں لڑنا چاہیے، کچھ لوگوں کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے، جیسے ہماری چاہے تو آپ مان لیں پولیٹکس میں ہیں اور وکالت میں ہیں، تو ہم اس شعبے میں ہی اپنی دخل اندازی رکھیں اور اس میں سب لوگ ہماری مدد کریں، اور اسلامک سینٹر میں جو لوگ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہیں، جنہوں نے اس کی نیو رکھی اور اس کو اس کی فلاح بہبود کے لیے کام کیا، ان لوگوں کو ہی مضبوط کرنا میں سمجھتا ہوں کمیونٹی کا کام ہے۔ لیکن اس بار جو میں الیکشن میں زیادہ تھوڑا انٹرسٹ لے رہا ہوں، اس سے پہلے زیادہ نہیں لیا، تو اس کی وجہ ایک خاص ہے کہ ایک سازش ہو رہی ہے انڈیا اسلامک سینٹر کو قبضہ کرنے کی، اور قبضہ کر کے اگر اس کی کوئی فلاح بہبود کے لیے کام کیا جائے، اس کی بہتری کے لیے کام کیا جائے تو کوئی برائی نہیں، لیکن قبضہ کر کے اس کا مس یوز کرنا اور مسلم کمیونٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے، جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں وقف کی حفاظت کے لیے اور جو بے گناہ مسلمان اور دلت لوگ جھوٹے ٹیرر کے کیسز میں پھنسائے جا رہے ہیں، اس میں نقصان کرنے کے لیے ہمیں ایسا لگتا ہے اور ہمارے پاس ثبوت ہیں، یہ الیکشن کو جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک جو یہ عارف محمد خان صاحب ہیں، وہ سڈنلی سیویئر بن گئے ہیں اسلامک سینٹر کا، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ان کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جس طرح کی انفارمیشن ہے اور جو ہم نے ان کے کیریکٹر کو آج تک اسٹڈی کیا ہے، تو ان کے اوپر بھروسہ کرنا، اور انہوں نے ہر وقت ایک ایسی امیج پیش کی ہے کہ اسلام جو ہے ماڈرن مذہب نہیں، ایک ایسا کر کے دکھانے کی کوشش کی ہے کہ وہ ایک مسلمانوں سے، عام مسلمانوں سے ہٹ کر اور بڑھ کر آدمی ہے، اور ایک عام مسلمان جو ہے وہ حقیر اور غلیظ ہوتا ہے کیونکہ وہ تھوڑا پڑھ لکھ گئے ہیں، تو یہ ان کی بہت ایک بات ہے جو کمی ہے ان کی ایک۔ اور دوسری جو سب سے بڑی کمی اسلامک سینٹر کے لیے جو ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس جو ان کا آج تک کا رد و عمل رہا ہے، وہ اسلام کو کسی بھی طریقے سے نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسلام دشمن بہت ساری طاقتیں ہیں، اور ہمارے ملک میں تو خاص طور پہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، تو ایک بہت بڑی مہم چل رہی ہے آر ایس ایس کی طرف سے کہ مسلمز کی ہر ایک ادارے پہ ایسے لوگ بٹھا دیے جائیں جو مسلم کمیونٹی کو کمزور کریں اور بھیتر گھات کریں، تاکہ ہم لوگوں کی جو بچی کچی رجسٹنس باقی ہے، جس کی وجہ سے آج تک ہم سروائیو کر رہے ہیں آر ایس ایس کے باوجود اس ملک میں، وہ بھی تباہ اور برباد کر دی جائے۔ اور اسی لیے مجھے یہ دیکھ کر کے اب یہ اتنا ایک ہی کلچرل سینٹر ہے اسلامک سینٹر، جس کا میسیج پورے ملک میں نہیں پوری دنیا میں جاتا ہے، تو اس پہ بھی جب غلط نگاہوں سے ان لوگوں نے حملہ کیا ایک طرح سے میری نظر میں، تو اس کو بچانے کے لیے، اس کی حفاظت کرنے کے لیے ہم لوگ جو ان پولیٹکس سے بالکل دور تھے، انہیں بھی مجبور ہو کے اس میں ریکویسٹ کرنی پڑ رہی ہے آپ سب لوگوں سے کہ مہربانی کر کے سراج الدین قریشی صاحب جو ہیں انہوں نے اس ادارے کو بچا کے رکھا، یہی ایک بہت بڑی بات ہے۔ ان حالات میں ایک ادارہ اس طریقے سے بھلے ہی تھوڑی سلو پروگرس کر رہا ہے، لیکن اس کو اس مسلمانوں کے خلاف تو استعمال نہیں ہونے دیا کبھی، تو اسی لیے ہم لوگ اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں الیکشن میں، اور گزارش بھی کر رہے ہیں سب سے کہ ہم بھی ووٹ دیں گے سراج الدین قریشی صاحب کو، اور آپ سب لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ نہ صرف ووٹ دیں بلکہ پوری طاقت لگائیں کہ وہ اچھے سے اور بہت بڑے مارجن سے جیتیں اس بار۔ تھینک یو، یہ تھے محمود پراجا صاحب، آرگنائزر تھے آج اس پروگرام کے۔ ہمارے بیچ میں بہادر عباس صاحب جنرل سیکرٹری انجمن حیدری کے ہیں، جس کی طرف سے آج یہ پروگرام آرگنائز کیا گیا ہے۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شیعوں کا جو میسیج سے غلط جا رہا تھا، وہ آپ نے میرے خیال سے اس کو صحیح کرنے کے لیے پروگرام رکھا ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں۔ دیکھیے ایسا ہے کہ شیعوں کا میسیج تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، مگر حقیقت جو بات ہے، جس وجہ سے یہ پروگرام رکھا گیا، سراج الدین قریشی صاحب اس درگاہ سے اور خاص کر کے کربلا کی مہم میں
تحفظ اوقاف کی مہم میں ہمیشہ انہوں نے ساتھ دیا ہے۔ تو ہمیں اس وقت ضرورت ہے کہ اسلامک سینٹر کے اندر ایک ایسی ٹیم مضبوطی کے ساتھ آئے جو تحفظ اوقاف میں اور دوسرے جو دیگر ہماری کمیونٹی کے کام ہیں ان کو آگے بڑھا سکے۔ تو اس وقت کی ضرورت تھی اس ٹیم کے لیے سپورٹ کرنا اور اس کو بتانا، اس لیے ہم لوگوں نے آ کے یہ اپیل کی ہے کہ سراج الدین قریشی صاحب کو اور ان کے پورے پینل کو سپورٹ کریں تاکہ جو کام چل رہے ہیں وہ رکے نہ، وہ کام انشاءاللہ اسی طاقت کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں۔